वेलकम टू indianshareTips.com। और आज का हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसमें हम एनालाइज करने वाले हैं कि आपको निफ्टी लेना चाहिए या गोल्ड लेना चाहिए। तो इस चीज को हमने काफी क्रिटिकली एनालाइज किया है, तो इसको वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगला वीडियो हम लाएंगे जिसमें हम बताएंगे 3 स्टॉक्स जो आप खरीद सकते हैं जो आपके लिए जिंदगी भर एक पेंशन का काम करेगी और आपको लगातार पैसा देती रहेगी। तो रिमेंबर, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आगे बढ़ते हैं कि निफ्टी लें या गोल्ड लें। तो कई लोगों का मानना होगा कि हम गोल्ड में इन्वेस्ट करें, कोई कहेगा हम निफ्टी में इन्वेस्ट करें। तो हम आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ दिखाएंगे कि क्या लेना चाहिए। अब किसी की जो विचारधारा है उसको बदल नहीं सकते। हमारे खुद के मामा जी हैं, उन्होंने जिंदगी भर सिर्फ गोल्ड ही कलेक्ट किया है, उन्होंने कभी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं किया। पर ये इंडिविजुअल की विचारधारा है, हम आपको फैक्ट्स फिगर्स बताएंगे जिसके साथ आप ये ध्यान से डिसाइड कर सकते हैं कि आपने निफ्टी में जाना है कि गोल्ड के इन्वेस्टमेंट में जाना है या कॉम्बिनेशन में जाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी का रिटर्न वर्सेस गोल्ड। सो हमने ये पीरियड 23 इयर्स का एनालाइज किया है, फ्रॉम ईयर 2000 to 2023, दैट इज टूडेज डेट। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि ये वीडियो आपको बिल्कुल लेटेस्ट डाटा के साथ आपको एनालाइज करके बता रहा है कि आपने निफ्टी लेना है कि गोल्ड लेना है। तो अगर आपने 2000 में 1 लाख इन्वेस्ट किया होता तो आप देख सकते हैं कि उस निफ्टी जो है ये ब्लू कलर से है और गोल्ड जो है वो रेड कलर से है। तो निफ्टी हैज डेफिनेटली आउट परफॉर्म्ड एज कंपेयर टू गोल्ड। तो निफ्टी ने ज्यादा रिटर्न दिया है एज कंपेयर टू गोल्ड, और कितना रिटर्न दिया है वो हम देखते हैं। तो अगर आपने 1 लाख ईयर 2000 में इन्वेस्ट किया तो आज के दिन अगर आप देखते हैं तो निफ्टी तकरीबन आपके पास 20,41,000 या 20,42,000 आप कह सकते हैं, और गोल्ड का वैल्यू होता आपका तकरीबन 14,32,000। तो अगर आप देखें निफ्टी हैज आउट परफॉर्म गोल्ड, यानी कि निफ्टी ने गोल्ड से ज्यादा रिटर्न दिया, और वो रिटर्न कितना परसेंट ज्यादा है, वो तकरीबन 42%। तो अगर आप वो निवेशक हैं जो लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं इंडेक्स को या स्टॉक्स को, तो आप निफ्टी का ये आंकड़ा देख सकते हैं कि आप गोल्ड को हैंड्स डाउन बीट करेंगे और आपके रिटर्न्स विल बी मोर देन 42%, जो कि 23 इयर्स के ऊपर एनालाइज किया है। हम आपको आगे चार्ट्स भी दिखाएंगे जिसके अंदर हमने ब्रेकडाउन भी किया है ईयर वाइज का, कि अगर आप 1 साल 3 साल 5 साल या 10 साल का होल्डिंग करते हैं तो आपके रिटर्न्स में कैसा इफेक्ट आता है। एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि ड्रॉडाउन क्या होता है वो समझ लीजिए। ड्रॉडाउन का मतलब है कि डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट पॉइंट एंड द लोएस्ट पॉइंट। मान लीजिए आपने निफ्टी को खरीदा 1 लाख का और ड्यूरिंग द ईयर वो 80,000 का हो गया, 20% गिर गया, तो उसका ड्रॉडाउन कितना हुआ, 20%। तो ड्रॉडाउन इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट पॉइंट टू द लोएस्ट पॉइंट। तो इस चीज को भी हम आगे समझेंगे। तो आप अगर देखें निफ्टी वर्सेस गोल्ड ड्रॉडाउन में, इसका ये दिखाने का मकसद है कि अगर आप निफ्टी इंडेक्स या निफ्टी स्टॉक्स होल्ड करते हैं तो आपका ड्रॉडाउन ज्यादा हो सकता है एज कंपेयर टू गोल्ड, यानी कि आपको पेन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ 23 इयर्स, अगर आपने स्टॉक सब लीग निफ्टी 50 इंडेक्स को होल्ड किया होता तो आपको पेन ज्यादा हो सकता था एज कंपेयर टू गोल्ड, क्योंकि जर्नी जो है इन्वेस्टमेंट की वो एक लीनियर जर्नी नहीं है स्टॉक मार्केट में, इट हैज इट्स अप्स एंड डाउन्स। तो आप अगर देखें तकरीबन 2008 जब लेमैन ब्रदर क्राइसिस हुआ तो उस पीरियड के दौरान निफ्टी का
तकरीबन 59.5%, दैट इज क्लोज टू 60% निफ्टी अपने टॉप से नीचे गिर गया था, जबकि गोल्ड का मैक्सिमम ड्रॉडाउन यानी के टॉप से नीचे वो मैक्सिमम सिर्फ 29% गिरा। तो अगर पेन के हिसाब से देखें तो जिन लोगों ने इंडेक्स को होल्ड किया या उस स्टॉक्स को होल्ड किया तो उनको ओवर ए पीरियड ऑफ 23 years ज्यादा पेन सहन करना पड़ा एज कंपेयर टू द कस्टोडियंस ऑफ द गोल्ड। हमें उम्मीद है कि आपको यह ड्रॉडाउन कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, जिससे आप समझ सकते हैं कि क्या हमें पेन हो सकता है। बेसिकली ड्रॉडाउन को आप बोल सकते हैं कि कितना मुझे पेन हो सकता है। अब हम देखते हैं कि अगर निफ्टी और गोल्ड का एक साल का रिटर्न अगर हम देखें तो जनरली निफ्टी ने तकरीबन 16% रिटर्न दिया है और गोल्ड ने तकरीबन 12.5% रिटर्न दिया है। पर याद रखिए, एक साल में अगर आप गलत किसी साल में फंस गए तो फिर आपको पेन बहुत ज्यादा हो सकता है, जैसा कि लेमन ब्रदर क्राइसिस के दौरान इट कैन बी अप टू 59.5% लॉस भी हो सकता है। तो एक साल का पीरियड बहुत ही छोटा पीरियड है, इसीलिए जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करना है तो उसको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया स्टॉक्स के अंदर अब्लिक निफ्टी के अंदर फॉर 3 year पीरियड और उसको अगर हम गोल्ड से कंपेयर करें 3 साल में, तो उसमें आपको मैक्सिमम रिटर्न 62% आया है और उसमें आपका पोर्टफोलियो तकरीबन 15% नीचे गिर भी सकता है। तो एवरेज रिटर्न अगर आप देखेंगे पर ईयर, वो तकरीबन निफ्टी में 15% आया है। हमें उम्मीद है कि सब लोगों को पता होगा कि निफ्टी क्या है। निफ्टी इंडियन स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है जिसके अंदर टॉप 50 स्टॉक्स को रखा गया है, और गोल्ड का मैक्सिमम रिटर्न रहा है 37%, मिनिमम 10% और एवरेज रिटर्न 12.47%। तो एक चीज इससे यह क्लियर हो जाती है कि गोल्ड की वॉलेटिलिटी कम है एज कंपेयर टू इक्विटी की वॉलेटिलिटी। पर यह भी एक मिथ ही है, क्योंकि अगर आपको रिटर्न लेना है तो यू हैव टू एम्ब्रेस द इन्वेस्टमेंट इन निफ्टी इंडेक्स अब्लिक स्टॉक्स। 5 साल का अगर हम देखेंगे तो निफ्टी का रिटर्न तकरीबन 47%, मिनिमम 1%, एवरेज रिटर्न 15%। तो जैसे ही आप देखेंगे पीरियड बड़ा है तो आपका वॉलेटिलिटी रिड्यूस हो रहा है। गोल्ड का मैक्सिमम रिटर्न पीरियड ऑफ 5 year ब्लॉक में कितना है, 28%, और मिनिमम उसका -3% है, एवरेज रिटर्न 12% है। तो हम मोटा मोटी अगर देखें तो जनरली गोल्ड ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अप्रोक्सीमेटली 12% रिटर्न दिया है और इक्विटी ने अप्रोक्सीमेटली 15% रिटर्न दिया है। पर यह चीज याद रखिए, इक्विटी का अगर रिटर्न हायर है तो उसके साथ ड्रॉडाउन यानी कि पेन भी ज्यादा हो सकता है जब मार्केट बुरे फेज से गुजर रही हो, बियरिश फेज से गुजर रही हो। अब हम इसी चीज को 10 साल में देखते हैं तो 10 साल के अंदर निफ्टी का रिटर्न तकरीबन मैक्सिमम 22% रहा और मिनिमम उसका 5% रहा, एवरेज उसका रिटर्न 14% हो गया विद इन ए ब्लॉक ऑफ 10 years। कि आपने होल्डिंग 10 साल के हिसाब से की तो यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट दिस मच रिटर्न, एवरेज 14%। और गोल्ड का मैक्सिमम रिटर्न उस पीरियड में 21% रहा, मिनिमम 3% रहा और एवरेज रिटर्न 12%। तो मोटा मोटी आप देख पा रहे हैं कि गोल्ड का जनरली 12% तक का रिटर्न ओवर ए पीरियड ऑफ 10 years आपको मिल रहा है और इक्विटी का अप्रोक्सीमेटली 14%। तो हम कुछ लेसन देखेंगे कि इस वीडियो से हम क्या समझ सकते हैं। तो बेसिकली एक चीज क्लियर हो जाती है कि इक्विटी इज वॉलेटाइल इन नेचर। वॉलेटिलिटी विल रिड्यूस इफ योर होल्डिंग पीरियड इज लॉन्ग टर्म। हमने देखा कि जैसे ही एक साल से 3 साल का पीरियड बढ़ता है या 3 साल से 5 साल का बढ़ता है पीरियड इक्विटी का, या 5 से 10 साल होता है, तो उसका वॉलेटिलिटी कम होता जाता है। तो आपको एवरेज रिटर्न अच्छा नजर आता है
और आपको ड्रॉडाउन कम देखने को मिलते हैं। गोल्ड रिटर्न्स पॉसिबिलिटीज आर लेसर देन इक्विटी, ये क्लियर हो गया। हमने देख लिया कि जनरल ऑन एन एवरेज इक्विटी का 14-15% एनुअल रिटर्न है और गोल्ड का तकरीबन 12% का रिटर्न है। लोअर रिटर्न्स गोल्ड के अंदर ज्यादा हो सकते हैं एज कंपेयर टू इक्विटी के अंदर। तो इसीलिए अगर आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, आपके पास पैसा अवेलेबल है, तो आपको इक्विटी सेगमेंट में जाना है। ड्रॉडाउन से डरना नहीं है, क्योंकि जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है और जो नीचे जाती है वो ऊपर भी आती है। तो इस चीज को हमेशा याद रखिए कि वॉलेटिलिटी इज योर फ्रेंड, और उसको हम बहुत ही अच्छी तरह से इंट्राडे में इस्तेमाल करते हैं, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। एक चीज और है, नेगेटिव कोरिलेशन। इक्विटी और गोल्ड का नेगेटिव कोरिलेशन है। इसका मतलब है कि जब इक्विटी मार्केट ऊपर जाता है तो गोल्ड जनरली नीचे आता है, और जब इक्विटी मार्केट नीचे जाएगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा। इक्विटी मार्केट कब नीचे जाता है? जब बहुत ही फियर फैक्टर हो, वॉर्स आर गोइंग अराउंड, इकॉनमी इज अंडर डिस्ट्रेस, और तब लोगों को बैंकिंग सेक्टर पे विश्वास नहीं है, गवर्नमेंट्स पे विश्वास नहीं है, तो वो क्या करते हैं, धड़ाधड़ स्टॉक मार्केट में अपने स्टॉक्स बेचते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं और गोल्ड में उसको डाल देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में गोल्ड ऊपर जाना शुरू हो जाता है। ये गॉस्पल ट्रुथ नहीं है, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये देखा गया है कि गोल्ड जब ऊपर जाता है तो इंडेक्स नीचे रहेगा या कंसोलिडेट करेगा, एंड वाइस वर्सा आप देख सकते हैं। तो कोई कह सकता है कि अभी गोल्ड 60,000 पे है तो इंडेक्स भी ऑलमोस्ट नियर हाई पे है, पर इस समय नियर हाई पे नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट्स कंपैरेटिवली इंडियन मार्केट्स के काफी आगे जा चुकी हैं और हमें अभी कैचअप करना है। तो अगर हम पीरियड के हिसाब से देखें तो निफ्टी इस समय हमारा 21,000 के करीब होना चाहिए था, जबकि वो अभी 17,900-18,000 के आसपास ही है, जो कि पिछले साल के मुकाबले पीछे ही है। हमें उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको इन्वेस्ट किस में करना है, इक्विटी में करना है या गोल्ड में करना है। अगर आप बिल्कुल वॉलेटिलिटी कम चाहते हैं तो आप गोल्ड में जा सकते हैं, अगर आप वॉलेटिलिटी को बियर कर सकते हैं तो आप इक्विटी में जाएं। पर याद रखें, गोल्ड का रिटर्न इज ऑलवेज लेसर देन इक्विटी। इक्विटी हमेशा गोल्ड को हैंड्स डाउन बीट करेगा ही करेगा। इस चीज को आप अपने मन में बांध लीजिए कि अगर हायर रिटर्न चाहिए तो आपको वॉलेटिलिटी एम्ब्रेस करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे हायर रिटर्न्स भी मिले और मैं वॉलेटिलिटी से भी बचना चाहता हूं। और अगर आप वॉलेटिलिटी का मैजिक देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इंट्राडे में जुड़ सकते हैं बैंक निफ्टी ऑप्शन में, जिसमें सिर्फ मॉर्निंग का एक घंटे के अंदर यू कैन गेट अप टू 30% रिटर्न। कौन सा बिजनेस आपको 30% तक का रिटर्न एक घंटे के अंदर दे सकता है? ये है मैजिक बैंक निफ्टी ऑप्शन की ट्रेडिंग के अंदर। हम सही समय पे मार्केट में बैंक निफ्टी ऑप्शन में एंटर करते हैं और टाइमली एग्जिट कर जाते हैं। हम सो नहीं जाते, हम इससे पहले के मार्केट कंसोलिडेशन में जाए, हम उससे पहले अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपको हर दिन 30% मिले, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। एक्सपायरी बैंक निफ्टी ऑप्शन का थर्सडे को होता है, उस दिन हो सकता है कि मल्टीप्लाई वंस ट्वाइस थ्राइस फोर टाइम्स फाइव टाइम्स भी कैपिटल हो सकती है, पर हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है, बिकॉज स्टॉप लॉस इज नॉट योर एनिमी बट अ फ्रेंड। स्टॉप लॉस आपको ये नहीं बोलता कि आपका लॉस हो गया, वो आपको सिर्फ ये बताता है कि आप गलत दिशा में मार्केट में हैं, टाइमली एग्जिट कर जाएं। क्योंकि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप अगर लेकर के ऑप्शन को सो गए या इन प्रेयर मोड में चले गए, तो हो सकता है कि ऑप्शन का वैल्यू जीरो भी हो सकता है। तो इसीलिए मेक यूज ऑफ ए सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी लाइक अस, वी आर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, मेक यूज ऑफ आर एक्सपर्टीज। और साथ में अगर आपके पास समय आफ्टरनून में है तो आप हमारा निफ्टी ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं,
कैपिटल अगेन निफ्टी के लिए आपको 10,000 ही लगाना है और आप 10,000 कैपिटल के साथ भी रोजाना अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बैंक निफ्टी ऑप्शन के लिए भी आपको 10,000 का ही कैपिटल लगाना है। और अगर आपका मन है होल्डिंग करने के लिए तो आप हमारे डिलीवरी टिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हम आपको अच्छे स्टॉक्स शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के बताते हैं। आप वेबसाइट पे जाके इन लिंक्स को क्लिक करके हमारी सर्विसेज के बारे में देख सकते हैं, या व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। वी लुक फॉरवर्ड फॉर एन एसोसिएशन विद यू। थैंक यू।